देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की सदाओं के साथ इस साल हज पर आने वाले हुज्जाज इकराम को बिला जुमा की नमाज हरम में अदा करने का मकबूल मौका। लाखों फर्जंदान तौहीद की अपने रब के घर हो रही है आमद। सऊदी अरब के वजीर सेहत ने गर्मा की शिद्दत की वजह से हज के मकामात पर हुज्जाज इकराम को छतरी का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। उमूर हज के दौरान शिद्दत गर्मा से अपनी सेहत की हिफाजत करने की अपील। बड़े अफसोस और दुख की बात, ज़ियारत मुकद्दसा पहुंचने वाले हुज्जाज इकराम इबादत से हटकर दुनियावी मशगूलात मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा। एहतराम वाले मकाम पर फोन के जरिए अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल में मसरूफ, इबादत का वक्त कर रहे हैं बर्बाद। इस तरह मोबाइल के इस्तेमाल से इज्तनाब करने की जाती है अपील। हज के मौके पर दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज इकराम की हर जाविये से हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सऊदी इंतजामिया ने भारी तादाद में मुख्तलिफ जुमरों से ताल्लुक रखने वाले आला सिक्योरिटी अहलकारों को किया गया तैनात। हर मकाम पर हर हुज्जाज की हिफाजत को दी गई अव्वलीन तरजीह। अमरीका के दौरे में मसरूफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाइडन के साथ मौजूद एक प्रोग्राम में कहा कि मैं अमरीका को 10 बार आया हूँ मगर पहली मरतबा बाइडन की जानिब से अमरीका में मुकीम भारतीय अफराद के लिए खोले गए व्हाइट हाउस के दरवाजे। एक दूसरे के सर से जुड़े मिस्र से ताल्लुक रखने वाले मासूम सलमा और सारा दोनों बहनों के सिरों को अलहदा करने का ऑपरेशन हुआ कामयाब। ये पेचीदा ऑपरेशन 17 घंटे तक रहा जारी। चीन के एक होटल में गैस लीक होने की वजह से पेश आया जोरदार धमाका जिसकी जद में आकर तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद हो गए हलाक, मुतअद्दिद अफराद हुए जख्मी। होटल में गाहक ज्यादा होने की वजह से हलाकतों में हुआ इजाफा। हमारे भारत के होनहार वर्ल्ड टूर प्राइम मिनिस्टर मोहतरम मोदी जी ने तो इंग्लिश बोलकर अंग्रेज मुल्क में अंग्रेजों को भी कर दिया हैरान। हजारों अंग्रेजों के सामने इंग्लिश के ऐसे लफ्जों का किया इस्तेमाल कि अंग्रेजों को भी नहीं मिले वो अल्फाज। मोदी जी आखिर कहना क्या चाहते थे, हिंदी में बोलकर वजन कर दे हल्का। व्हाइट हाउस में बाइडन की जानिब से मोदी जी के लिए दी गई दावत में खसूसी मेहमान के तौर पर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी अपनी अहलिया नीता अंबानी के साथ इशाया में की शिरकत। अब आपको यकीन आ गया कि भारत मुल्क चला रहा है कौन, काम किसी और का, नाम किसी और का। मणिपुर में हुए पुतशद्दुद वाकयात से परेशान हाल अफराद 4 किलोमीटर दूर तक अपने मजहबी इख्तियार के हिसाब से मणिपुर की मुतासिर आवाम ने रोड पर बैठकर रियासत की हिफाजत के लिए मांगी दुआ, मगर अफसोस मरकजी सरकार है इस मामले से अभी भी अनजान। मरकजी मोदी सरकार के खिलाफ भारत में मौजूद तमाम अपोजिशन की सियासी पार्टियों का अहम इजलास पटना में हुआ मुनक्किद। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जितेंद्र राम मांझी, स्टालिन ने भी की शिरकत। अगला इजलास होगा शिमला में मुनक्किद। भारत मुल्क को अखंड भारत बनाने का ख्वाब देखने वाले कुंवर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ योगा के दौरान अपनी एक टांग पर न टिक सके। अखंड भारत बनाकर क्या खाद चलाएंगे मुल्क को, कभी धोती तो कभी टांग संभालने में मसरूफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जमात बीजेपी के लीडरान से अपनी बेटियों की करें आप हिफाजत। बीजेपी के एमएलए गौरी शंकर एक तकरीब में नाबालिग लड़कियों को गैर मुनासिब तरीके से छूते हुए कैमरे में हुए कैद। उत्तराखंड में नुतफे बेतहकीक औलादे खुलेआम मुसलमानों को दे रहे हैं धमकियां, कहा कि इस बार ईद उल अजहा के मौके पर किसी भी गली या नाले में खून नजर आए तो हम बताएंगे कि ईद मनाते हैं कैसे। ऐसे फिसादियों के वालिदैन होते हैं गुमनाम, इसीलिए देते हैं ये ऐसे बयान। चेन्नई में अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले अफराद की नहीं है खैर, बेहतरीन अंदाज में डिजिटल सिस्टम करवा दिए नाफिज। सिग्नल तोड़ते ही इस राहगीर की तस्वीर के साथ पूरी डिटेल्स भी आ जाएगी, वहीं सिग्नल पर घर पहुंचने से पहले फोन पर आ जाएगा चालान। एक और रेल का बड़ा हादसा टल गया, हादसे दिमागी से चेन्नई से मुंबई जाने वाली रेल के इंजन में भड़क उठी आग। आग का धुआं बोगियों में फैलते ही मुसाफिरीन कूद पड़े बोगियों से बाहर, बादशाह बुझा दी गई आग। तेलंगाना केसीआर की जानिब से गरीब अफराद को अपनी जाती जमीन पर मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाने की स्कीम का हो गया आगाज। हुकूमत की जानिब से एससी एसटी बीसी और अकलियतों के लिए मख्तस की गई है स्कीम। आज शहर हैदराबाद में खुलेआम हुकूमत की निगहबानों ने तोड़े ट्रैफिक कानून। हैदराबाद की डिप्टी मेयर सीलता शुभम रेड्डी, बीआरएस कॉर्पोरेटर्स और दीगर कारकुनों ने बगैर हेलमेट के जुलूस की शक्ल में घूमा गाड़ियों पर। अब कितनों को आएगा हेलमेट का चालान या सिर्फ गरीब आवाम के लिए हेलमेट का चालान। अफसोस की बात, तेलंगाना से हज पर गए हाजियों को मक्का के पास सिम कार्ड की नहीं मिली सहूलत, जिसकी वजह से हैदराबाद तेलंगाना के कई हुज्जाज इकराम को अपने घर वालों से राब्ते के लिए पेश आ रही है मुश्किल, कोई इनका पुरसाल हाल नहीं। ईद उल अजहा के मौके पर फिर से आवाम को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिरासा करने का काम शुरू। चौराहों और गली कूचों पर टहर कर बाजारों से लौटने वाले अफराद को चालानों के नाम पर ईद से कब्ल किया जा रहा है परेशान। मुस्लिम ईदों के वक्त ही महकमों को याद आती है अपनी मुलाजिमत। सिटी इंडिया स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।